भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और जराइम के भारतीय तारीख में सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी के बरसरे इख्तदार आने के बाद से भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल के पहले 6 माह में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के रिकॉर्ड शुदा 255 वाकयात में से तकरीबन 80% उन रियासतों में पेश आए जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें कायम हैं। ब्लूमबर्ग में वॉशिंगटन DC में कायम एक तहकीकाती ग्रुप हिंदुत्व वॉच की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें भारत में नफरत अंगेज तकरीर और अकलियतों के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक आदाद व शुमार का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि BJP की जानिब से भारत की मुस्लिम आबादी को तासुब और मजहबी जुल्म व सितम का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में नाकदीन का कहना है कि इसका मकसद मुसलमानों को पसमानदा रखना और उन्हें भारत से बेदखल करके भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पेश आने वाले वाकयात में नस्फ से जायद वाकयात में हुक्मरान BJP और इससे वाबस्ता हिंदुत्व तंजीमों बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों के अरकान मुलव्वस थे। इन हिंदुत्व तंजीमों के रवाबित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं जो जर्मन नाजियों से मुतासर BJP के इंतहाई दाएं बाजू की हिंदुत्व तंजीम है। 1925 में कायम होने वाले इस खुफिया मलेशिया ग्रुप का मकसद एक हिंदू रियासत कायम करना है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में नफरत अंगेज तकरीर के सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए। वाज़ेह रहे कि इन वाकयात में एक तहाई इन रियासतों में पेश आए जहां रवां साल इंतखाबात होने वाले हैं। हिंदुत्व वॉच ने 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में हिंदुत्व तंजीमों की सरगर्मियों की निगरानी के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनमें से तकरीबन 64% वाकयात की वजह से मुस्लिम मुखालिफ साजिशी नज़रियात को फ़रोग मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि 33% वाकयात में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के ऐलानात किए गए जबकि 11% वाकयात में हिंदुओं से मुसलमानों का बायकॉट करने की अपील की गई। भारत में RSS हुकूमत के क़याम के बाद हर इदारा, फौज, तहकीकाती इदारे, खुफिया एजेंसियां, यहां तक कि अदालतें भी हिंदुत्व के शिकंजे में आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की फसनाई हुकूमत और भारतीय अदलिया मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक में मुतहद हैं। 2002 में भारतीय रियासत गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात और 1992 में बाबरी मस्जिद की मिसमारी के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुस्लिम मुखालिफ तासुब की वाज़ेह मिसालें हैं। 2002 में होने वाले गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त रियासत के वजीर आला थे, ने हिंदुओं को मुसलमानों के कत्लेआम की खुली छुट्टी दी। हिंदू जत्थों ने इस दौरान 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया। भारतीय अकलियतों की तरह कश्मीरी भी हिंदुत्व दहशतगर्दी के शिकार हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर और भारत भर में अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों को आगे बढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी ने भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों का जीना दुश्वार कर दिया है और अकलियतें मोदी के भारत में खुद को इंतहाई गैर महफूज तसव्वुर करती हैं। BJP के इक्तदार में आने के बाद मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म व सितम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इन तमाम वाकयात से ये बात साबित होती है कि भारत एक फसनाई और दहशतगर्द रियासत है और इसकी साम्राज्यी, इस्तेमारी और तौसी पसंदाना पॉलिसियां खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरनाक हैं। अक्वामे आलम को हिंदुत्व दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए फौरी और ठोस इकदाम करने चाहिए।